हाँ जी, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे ना फियर की, मतलब डर की। ये जो ऐसा अनयूजुअल सा डर होता है लोगों के अंदर, जाने कि लोग ना डर से जाते हैं, मतलब लोगों को जवाब नहीं दे पाते। मतलब मान लो कहीं इंटरव्यू के लिए गए तो पेट में गुड़गुड़ होने लग गई, या मान लो कहीं पे किसी से बात करने लग गए तो कॉन्फिडेंस लो हो गया, या मान लो किसी से मतलब कोई लड़ाई का सिचुएशन आ गया तो फिर अंदर ही अंदर बॉडी शेक होने लग गई। या मान लो डर एक ऐसी चीज़ होती है ना, एक मतलब एक इंसान को पागल बना देती है। डर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और हाउ टू रिमूव ये डर को, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं ये डर को, हम सच में ये डर एग्जिस्ट करता है, मतलब ये डर से क्या मतलब हमें फायदा है, या फिर ये डर से मतलब एक नुकसान है, आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो डर को सबसे पहले पहचानो कि डर कैसा डर है तुम्हारे अंदर। मतलब देखो, कुछ लोगों को होता है प्लेन में उड़ने से डर, ठीक है, अर्ज एंजाइटी। मतलब एक कुछ लोगों को एक फोबिया होता है, हाइट फोबिया, जो ऊपर से मतलब प्लेन में जाते हैं तो वो लोगों को डर होता है, वो कैप्सूल्स खा लेते हैं पहले ही। तो मान लो देखो, प्लेन में सब लोग तो बैठ रहे हैं, उन सबको नहीं हो रहा डर, तुम्हें क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो गया कि डर कैसे टाइप का होता है। अगर मान लो प्लेन टूटने वाली है, प्लेन के दो इंजन गिर गए और सबकी फटी पड़ी है, तुम्हें भी डर हो रहा है प्लेन गिरेगी नीचे, तो वो डर लॉजिकल है। मान लो तुम्हें और एक एग्जांपल दे के देता हूँ। देखो, अब मान लो कोई इंसान अट्ठा कट्टा है, रोड पे जा रहा है और तुम्हारी उससे पंगे हो गए रोड पे, ठीक है, और तुम्हें वो मतलब कहने लग गया कुछ भी, और तुम्हें बदला देने का मन कर रहा है, मतलब जवाब देने का उसको पलटा के मन कर रहा है, लेकिन तुम दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि तुम्हारी IQ, तुम्हारे माइंडसेट को पता है, अगर मैं इससे पंगे लूँगा तो ये मेरे से स्ट्रांग है और ये मेरे को पीट सकता है, कूट सकता है। ठीक है, वहाँ पर समझ में आता है कि वो डर सच वाला डर है, मतलब वो डर में एक क्वालिटी है। मतलब तुम वहां पे डर नहीं कह सकते उस चीज को, तुम कह सकते हो तुम्हारे खुद का IQ। और देखो, दूसरा डर वो डर होता है, कोई लंगा पुंगा इंसान भी तुम्हें कुछ भी बोल दिया और तुम्हारी फटी पड़ी है कि ये क्या पता, ये किसी को कुछ नहीं मारा लेकिन कहीं ये मेरे को ऐसी जगह मार दे कि मेरे को फिर मैं उठ नहीं पाऊँ, फिर मेरी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँ, तो ऐसे कुछ डर होते हैं। देखो, हम क्लियर करेंगे कि डर को पहचानना कैसा है। देखो भाई, सीधी बात ये है, कुछ लोग तुम्हारी बेकार में ले रहे होते हैं, दोस्तों में तुम्हारी बार बार ले रहे होते हैं, और हर किसी के दोस्तों में एक कैंडिडेट होता है जिसकी सारे दोस्त मिल के बैठ के लेते हैं, कोई किसी एंगल से, कोई किसी एंगल से, मतलब सब उसको चिढ़ा रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, उससे मतलब एंटरटेन ढूंढ होते, तो मतलब होते रुआब जमाना। ये तुम्हारी गलती है ना जानी, तुमने उसको इतना हावी होने दिया अपने ऊपर, अब तुमको एकदम से उनको रिएक्ट नहीं कर सकते पलटा के, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्ती पे भी खतरा है, और दूसरी बात ये, अगर तुमने पलटा के कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, उसमें कोई सर फिरा बंदा है तो फिर अलग ही बात हो गई। ठीक है, तो बात यह है कि किसी को इतना चढ़ने ही मत दो। अगर कोई इतना चढ़ चुका है तुम्हारे अंदर, इतना तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है बार बार, तुम्हारे कहने के बाद भी तुम्हारी बार बार इंसल्ट कर रहा है, तो साफ मतलब है उसको पता चल चुका है कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे। तो बेहतर यही है कि तुम उसको पलटा के कोई जवाब ना दो, बस वहां से छोटी सी आवाज में क्विट हो जाओ। मतलब उस लोगों में मत दिखो, नए दोस्त बनाओ ना जानी, नए पहचान बनाओ अपनी, और उनको साफ कह दो कि जब तुम्हारी मजाक कर रहे हो तो तुम हद में रह गए करो, अगर तुम इससे ज्यादा मजाक करने कोशिश कर रहे हो, मतलब बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी औकात से ज्यादा, तो फिर मुझसे और तुम्हारी भाई कोई ताल्लुक है नहीं। कितनी पुरानी दोस्ती क्यों ना हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पहली बात है। तो देखो, यहाँ तक तो दोस्तों के लिए समझ आता है और दोस्त तुम्हारी बात मान भी लेंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या होगा ये डर, मतलब सच में हम इसको क्या कन्फ्यू कैसे, मतलब इसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, और कैसे हम इसको मतलब जीत पाएंगे। सीधी बात में, इस पे जीत कैसे हासिल करेंगे। देखो भाई, डर पे जीत हासिल करने के लिए सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस, और उसके साथ क्या होनी चाहिए, एनर्जी, कि तुम उससे लड़ सको। और लड़ना कैसे है भाई, ये अंदर ही अंदर जंग होती है दिल और दिमाग की। दिल मतलब अंदर से अंदर फटी पड़ी होती है, दिमाग के अंदर से अंदर मतलब दिमाग की फटी पड़ी है। दिमाग को बेवकूफ बनाओ ना, सीधी बात में, तुमने कई बार सुना होगा। देखो बात ऐसी है, तुम स्ट्रांग नहीं हो, मार्शल आर्ट्स करो, कुश्ती से तुम्हारा डर, जो भी लड़ाई से तुम्हारा डर है, बॉक्सिंग से लोगों से पड़ेगी, मेरे खून निकल जाएगा, फलाना फलाना, मेरे दिमाग में जो भी तुम्हारे हो रहे ना, पूरे फूट रहे दिमाग में, वो सारे गायब हो जाएंगे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ दिन तुम बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, या कोई भी लोकल में जो जिम है ना उसमें थोड़े दिन के लिए मतलब अपने हाथ पैर को हिलाओ, डंबल्स क्या होते हैं देखो, ताकत क्या होती है देखो, और समझो कि किसे ताकत लगती है, कैसे किसी को पुश किया जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो फियर है ना, माइंड को कॉमन सा होने लग जाएगा। सीधी बात है, इंसान कब डरता है, इंसान डरता है जब तब उसको पूरी तरीके से मतलब उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना तुमसे अभी, अब मान लो मैं तुम्हारे बात करने से पहले, मतलब जब मैं मेरा ज़िंदगी का पहला वीडियो था तब मेरी भी फट रही थी, मेरे को भी पता था कि मेरे को कोई नहीं सुनेगा, फिर भी मैं कैसे बोलूँगा, घर वाले ही सुन लिए तो क्या होगा, बाहर वाले, अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ मुझे पता है कि मैं मतलब कुछ गलत नहीं कह रहा, अगर सुन भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब सही है। तो सीधी बात ये है ना कि देखो,
डर जो होता है हर किसी के अंदर होता है, वो बेवकूफ़ होता है वो इंसान, और जो मान लेता है कि किसी के अंदर डर नहीं है वो कहता है, तो ये मान लेता है। भाई सबके अंदर डर होता है, किसी के अंदर ज़्यादा तो किसी के अंदर कम। कोई बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर भी सामने खड़ा है ना तुम्हारे, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फटी पड़ी होती है। जब ये इतना छोटा सा बंदा मेरे से जुबान लड़ा रहा है तो इसके अंदर कोई ना कोई बात तो है, उसके भी अंदर दिमाग में चल रहा होता है, बट वो बता नहीं रहा होता है, वो भी ऐसे सीने तान के खड़ा होता है। तो देखो अब तुम्हें कैसे जीतना है इस डर से, सबसे पहली बात तुम्हें लड़ाई से डर होता है, किसी से पिटने से डर होता है, तो कुछ दिन के लिए जिम ज्वाइन कर लो। अगर मान लो तुम्हें इंटरव्यू से डर होता है तो भाई कोई बात नहीं है ना, जाओ बेतुके इंटरव्यूज दो, अपने दोस्तों के सामने इंग्लिश बकने शुरू कर दो। और मान लो अगर तुम्हें कहीं मतलब कोई काम करना है उससे तुम्हारी फटी पड़ी है, एकदम से कोई सिचुएशन बन गया जो तुम्हारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो भाई क्यों हो रही है आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि तुमने अपने माइंड को अपने कोई भी गाइडलाइन नहीं दी रखी है। सीधी बात में माइंड को क्लियर करो कि लड़ लूंगा कोई बात नहीं, चार पंगे वो देगा, पांच घूसे मैं दूंगा, एक तो दूंगा मैं, फिर नेक्स्ट बार मैं पांच दूंगा, कोई बात नहीं, उसके बाद मेरा भी माइंड नॉर्मल हो जाएगा। तो सीधी बात यह है, माइंड को क्लियर करो, माइंड को क्लियर करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, इस वीडियो की भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और सीधी बात में यह है जाने, यू कैन डू इट, तुम सबसे लड़ सकते हो, और तुम मैं ये नहीं बोल रहा लड़ाकू बन जाओ, मैं कह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस तुम कर सकते हो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डर कुछ नहीं होता है, नहीं एक एल्यूजन होता है, इसको दूर कर दो, बस कुछ नहीं, सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी, सबके अंदर है। डोंट वरी, यू कैन डू इट एंड यू कैन अचीव इट।